नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 8वीं तक नहीं बल्कि 12वीं तक देगा शिक्षा। अब सरकार नई शिक्षा नीति 2019 के तहत 12वीं तक अनिवार्य शिक्षा देगी। जुलाई में लागू हो जाएगी ये शिक्षा नीति। 2019 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई है। हरियाणा में अध्यापकों के सभी वर्गों में तबादले 29 जून तक हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत देश भर में 10 लाख अध्यापकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब तक भी पिछले 4.5 सालों के दौरान भी अध्यापकों के पदों को भरा है। वहीं 15 जून से प्रदेश भर में सभी वर्गों के अध्यापकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरे माह के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके तहत हर उस अध्यापक का तबादला किया जाएगा जो एक स्थान पर पिछले 5 साल से कार्यरत है। हर साल सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद नहीं किया जाता, बल्कि एक पॉलिसी के तहत जिन स्कूलों के छात्रों की संख्या 8 से 10 के करीब है, उन स्कूलों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाता है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। 134A है जो RTE एक्ट के तहत है, उसको 8वीं से 12वीं तक करने का है। और ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी पीछे कपिल सिब्बल साहब ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो ठीक नहीं था, बच्चों को अध्यापकों को परीक्षा से मुक्त कर दिया था, उसको भी 8वीं की 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको फिर से लागू करने का उसमें आ रही है। सही बात है, जैसे हरियाणा में आपने देखा हमने लगभग 40,000 अध्यापकों को अपने इस कार्यकाल में भर्ती किया है। 22,000 जो गेस्ट टीचर्स है उनको हमने नियमित किया है। शिक्षा विभाग में हमने क्रांतिकारी जो कार्यक्रम है, चाहे नई भर्ती का सवाल है, वो सब हमने वादों को पूरा